कहाँ से कॉल किया है? जी आपको ये फोन पे ऑफिस से कॉल किया गया है सर हाँ बताइए। जी। फोन पे यूपीआई जो ऐप यूज कर रहे हैं सर, इसमें जो कैशबैक मिला था सर, आपने रिसीव नहीं की? हेलो, कैशबैक? हाँ हेलो हाँ, जी, हेलो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, जस्ट लेटा हुआ इसलिए। हाँ बोलिए, क्या बोले? फोन पे से बात कर रहे हैं, कैशबैक क्या हुआ है? जी फोन पे में सर आपको जो कैशबैक आया हुआ था सर, आपने रिसीव नहीं की, जिसकी वजह से ये कॉल किया गया है, हाँ तो वो आप बताइए, रिसीव कीजिएगा कि कंपनी को रिटर्न कर दिया जाएगा सर। कौन सा कैशबैक भैया? वो आपका यूपीआई में आया हुआ है सर। जी यूपीआई में आया हुआ है? तो मतलब कहाँ पे आया हुआ है? ऐप में होगा ना वो? हाँ, ऑलरेडी वो ऐप में आपका आया हुआ है सर। ऐप से जैसे कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, या तो अपना डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ फिर क्या करना है उसमें, खोल के देखना उसको। हाँ, खोल के देख लीजिए सर, अगर आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो यहाँ से ऑलरेडी बता दिया जाएगा, आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं दिखा रहा कोई उसमें ऑफर्स में और इसमें क्या रिवॉर्ड में? रिवॉर्ड में नहीं सर, फोन पे में देखिए ऊपर में आपका बेल आइकन आ रहा है ना सर, बेल आइकन। बेल आइकन माने? हाँ बेल आइकन घंटी आ रहा है ना सर, बेल आइकन घंटी। हाँ, बेल आइकन घंटी में देखिए आपको कोई नोटिफिकेशन शो हो रहा है वहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे लिखा, नो नोटिफिकेशन। जी अभी आपको नो न्यू नोटिफिकेशन बता रहा है। डेटा इसी नंबर से चल रहा है कि अदर नंबर से चल रहा है? डेटा यानी नेट सर आपका इसी नंबर से चल रहा है कि दूसरे अदर नंबर से चल रहा है? नहीं, इसी नंबर पे चल रहा है। जी तो अभी देखिए बेल आइकन में कोई नोटिफिकेशन शो हुआ वहां पे? यार रिक्वेस्टेड बाय एरोन पे, जी आपका है ये? जी हाँ, रिसीव करने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है सर वहां पे आपको? रिसीव कहाँ आ रहा है? यहाँ तो आ रहा है डिक्लाइन और पे आ रहा है। हाँ तो वॉलेट से पे अपना अकाउंट में रिसीव कर लीजिए सर, सेंड कर लीजिए अपना अकाउंट में। बट ये तो पे बता रहा है यहाँ पे। हाँ तो वॉलेट से आप अपना अकाउंट में पे कर रहे हैं ना सर, यहाँ से कोई अकाउंट नंबर या तो मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है कि आप दूसरे को पे कर रहे हैं जी। वो आप अपना वॉलेट से अपना अकाउंट में उसको पे अपना अकाउंट में सेंड कीजिए सर। इसको यहां से मैं अकाउंट में इसको सेंड करूं? जी ये तो मेरे अकाउंट से कटने वाला पैसा दिखा रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। सॉरी सर, वो आपका अकाउंट से कैसे कटेगा सर? आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर या तो अकाउंट नंबर डालते हैं तभी आपका पेमेंट होता है, ठीक है ना, पेमेंट करते हैं। यहाँ से तो इस तरह से आपको कुछ दिया नहीं गया है सर, आपको जो कैशबैक आया हुआ है फोन पे में वो आप डायरेक्ट वॉलेट से अपना अकाउंट में सेंड कर रहे हैं सर। सेंड करने के बाद तो ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर भी वहाँ पे शो हो रहा है आपका, वहां पर डेबिट और एक क्रेडिट आएगा, तो आपको क्रेडिट करना है सर। ऑलरेडी आपको क्रेडिट का ऑप्शन भी वहां पे आपको आएगा। देख भाई, एक बात बताऊं तेरे को, तूने जी जब मेरे को फर्स्ट कॉल किया ना, तेरा कॉल उठाते ही मैं जानता हूँ कि तू स्कैमर है, ठीक है? तेरा जी कॉल उठाते ही मैं समझ गया बना रहा है, ठीक है? जी वो हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ अभी, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई वाला हूँ, समझा? मुंबई वाले के बारे में इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम दुनिया बनाकर तू हमको बना रहा है सुबह सुबह, समझा दोस्त? तेरा कॉल बिगिनिंग से रिकॉर्डिंग पे है, मैं जानता हूँ तेरे को। हाँ लॉकडाउन है ये, रेगुलर कर रहा है कि लोगों को डेली बना रहा है लॉकडाउन में, क्या ऐसे हंस रहा है? अरे अरे, हंसने की बात ही बोल रहा है यार। बोलू नहीं फिर? तुम लोग 2-2 हजार रुपए करके, भाई अब तक तो लोग कॉल करके एटीएम डेबिट का पूछ रहे, तुम पेटीएम और ये फोन पे भी चालू हो गए अब तो, कि भाई फोन पे है तो भाई भेज रहा हूँ। तुझे क्या लगता है इतने पागल है क्या लोग कि तू भेज रहा है ऐसे, और उसमें से मैं तेरे को जाके उसमें पे करूँ, पासवर्ड डालू और वो पेमेंट तेरे इसमें डाल दे? लोग किसने बोला है कि रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता पेमेंट पे, तू पेमेंट पे करने का? हम लोग क्या नए आए हुए हैं क्या, गाँव से आए हुए क्या हम लोग तेरे जैसे, कि तू बता रहा और मैं चढ़ जाऊँ करके? तो गांव से नहीं, तो क्या बोलता है वो, जंगल अबे से आया हुआ है। तेरी ना भाषा से समझ में आ रहा है भैये, या तो तू भैया है कहीं का या तो बिहार का, सामने आ जाएगा ना तब तेरे को समझ में आएगा, समझा? अरे ये तेरे भाई जैसे, तेरे जैसे डेली घूमते हैं सब, तेरा रिकॉर्डिंग पे इतना याद रखना। और वो पूरा एरो, साला, सुन सुन मेरा बात सुन, पूरा मुंबई महाराष्ट्र का पुलिस पकड़ने में लगा।
तो कौन सा खेत का बैंगन है। ये बात बोला ना तुम्हें, बट तू याद मान तेरा वो एरॉन प्ले का मैं डिटेल डाल सकता हूँ, तेरे को मालूम नहीं अभी। अरे भाई तू एरॉन प्ले उसको ब्लॉक करा देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा एरॉन प्ले कितना साला है पता नहीं। ये बात कमा लेता, अच्छा कमा लेता महीने का। अरे बहुत यार, क्या बात कर रहे हैं। हाँ हकीकत बोल रहे हैं क्या भाई, लॉकडाउन में लोगों की तू कमा ले रहा है बोल रहा है। अरे भाई देखो एक बात मैं बता रहा है, ठीक है, जो जो गरीब होता है ना उसका अकाउंट में मैक्सिमम उसमें कम से कम 10-15 हजार के करीब होता है, ठीक है ना। जो अमीर आदमी, जो बड़ा आदमी बिजनेसमैन होता है उसका अकाउंट में तो इतना कम नहीं रहता है। उसका अकाउंट में तो मैक्सिमम कम से कम 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक होता है, मालूम है। तुम ये कैसे पता करते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है? सिर्फ कॉल करो, तुमको तो पैसे से मतलब है? पैसा से मतलब नहीं होता, उसका तो पूरा बायोडाटा निकलता है ना। अबे तुम लोग को ये डेटा, हमारा नंबर कहाँ से मिलता है यार? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आता है। देखो भाई जो जो फोन पे यूज करता है या तो कुछ यूज करता है, ऐप कोई भी यूज करता है ना फोन पे में, फोन पे में करता है या पेटीएम में, गूगल पे में, तो उसका डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जामतारा से तो नहीं बोल रहा है? मूवी देखा? हाँ हाँ देखा ना यार। मूवी रिलीज नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, वेब सीरीज है ना वो तो। हाँ हाँ, वहाँ से तो नहीं बोल रहा तू? वहीं से। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, सब दिमाग सब वहीं से चल रहे हैं पूरा। हाँ सब हम ही लोग यूज करते। क्या वेब सीरीज तो जबरदस्त देखा यार, वहाँ से तो पूरा एकदम धड़ल्ले से बिजनेस हो रहा है ये सब का। हाँ ये सब तो हो रहा है, बट कमा लेता है वाकई में, महीने कमा लेता है 50,000 लाख रुपए, कर लेता सेटिंग। हाँ, हो जाती है। हाँ, हो जाती है। क्या बात कर रहा है वे, या लोगों की जॉब जा रही तो पैसे वैसे भी वैसे कमाए जा रहे हैं। क्या करेंगे, यही तो सीख लिए हैं। नहीं बढ़िया है, लेकिन यार देख के करो, कोई बड़े को करना है अभी। मैं तो ये बोल, ये देख ओवरऑल ये तो गलत ही है करना। हाँ ये तो नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या करें जब उतर गए हैं तो। लेकिन मान ले अगर कोई अच्छा पुलिस वाले को फोन लगा दिए तब क्या करेगा, होता होगा ना? नहीं नहीं, पुलिस वाला को भी मारे हैं। पुलिस वाले को भी मारे हैं? हाँ। कितने की? एक पुलिस वाले की मारे थे 40,000 और एक पुलिस वाले की मारे थे 1.5 लाख। अरे बाप, तुम लोग पीछे नहीं पड़े? अरे क्या पीछे पड़ेगा, वो बोला साला पुलिस वाला का पैसा मार लिया। कमाल है भाई। सीएम का पैसा निकला था, वो तो पेपर में तो आया होगा ना, ये सीएम अरविंद कौर जो हरियाणा का सीएम था ना, उसका भी तो पैसा निकला ना। ओके, वहाँ के भी सब सब कुछ पूरा जामतारा से हो रहा है? हाँ, यही से हैकिंग होता है पूरा पूरे इंडिया का इधर भी। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है लॉकडाउन के टाइम पे ना ये कॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यार, क्यों ऐसा है? हाँ अभी लॉकडाउन में तो बढ़ा है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को आया, मुझे आया फेक कॉल। अभी क्या है ना यार, तुम लोग ने इतना कॉल कर दिया ना, ये जब नया नया था ना फर्स्ट टाइम, तो हम लोग ऐसे लोग भी शायद ना कुछ लोग थे, तुम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी क्या है ना, इतने कॉल हो गए ना, जैसे कि हमारे जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि कोई ना पे है जो दे रहा है उल्टा सीधा ये। तो ये हाँ, तो मतलब आपका नंबर पे, इस नंबर पे पहले कॉल आया था ऐसे? बहुत कॉल आते हैं, ये पहली बार नहीं है, लास्ट 3 महीने में कम से कम 7-8 बार कॉल आ चुके हैं। किस चीज के बारे में आया था इसमें? हाँ, किस बारे में आया था इस नंबर पे कॉल? बहुत सारे नंबर को लेके, मेरे बैंकिंग को लेके आता है, मेरे फोन पे को लेके आता है, तो मेरे को पहले ही पता है। और देख अपन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कोई मेरे को ऐसा बोल रहा है पेमेंट करने के लिए और मैं इतना पागल हूँ कि मेरे को, मैं उसको उठाऊं और पेमेंट कर दूं, रिवॉर्ड आया, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कोई फोन पे गूगल पे किसी को ऐसा रिवॉर्ड देता नहीं है। अपने फोन पे से इस तरह से कॉल आया था इस नंबर पे आपको कभी? बिल्कुल आया था ना। इस नंबर पे आया था? अब नाम नहीं बताएगा अपना कम से कम। हाँ बताएगा। हेलो। हाँ नाम नहीं बताएगा अपना। हेलो। हाँ एक मिनट, घर है एक तो बाद बात करो, एक बात करें। घर से ही ऑपरेट कर रहा है क्या? घर से ही ऑपरेट कर रहा है? नहीं, क्या घर से ऑपरेट नहीं करता। 180 टका वाला कुपना होने सके। पीछे चिल्ला रहा है, कहाँ से? यूपी से, बिहार से? जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड से, बढ़िया है। चल फिर बात करते हैं, बट ऐसा मत कर, मैं तो ये बोलूंगा यार किसकी क्या मजबूरी है लॉकडाउन में, तो उसके ऐसी बजा देगा तो अच्छा नहीं है ना। नहीं ऐसा तो बजाते नहीं है, क्योंकि जैसे यूपीआई पिन डाल रहा है तो उसका बायो डाटा हमारे पास होता है।
तो अपना हिसाब से ही करते हैं। और तुम लोग नया नया आईडी क्रिएट भी कर लेते तुरंत ना फेक से, हाँ, उसका कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं है। हाँ हाँ पूरा आईडी उसका हैक कर लेते हैं हम, वो तो कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग जो एरॉन पे के नाम से मेरे को भेजा है अभी, हाँ, तो ये सब तुरंत कैसे बना लेता है? उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन फोन पे कुछ क्रॉस चेक नहीं करता कि वेदर यूजर वैलिड है कि नहीं है जिसका बना रहा है, जिसके अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है जैसे कि ऐसे ट्रांसफर किए पेमेंट वगैरह करते रहते हैं तो उतना तो थोड़ी आता है, मतलब ये जैसे कि एरन पे से नोटिफिकेशन किए तो इसमें जो पेमेंट आया इसे कोई दूसरा वैलेट में सेंड किए, उससे फिर दूसरा वैलेट में सेंड किए, चार पांच वैलेट में सेंड करके डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। बढ़िया बढ़िया भाई, चलो ठीक है, मैं तो हलाल नहीं हुआ तो देखते से किसी को और क्या कर सकता है तू। ठीक ठीक है, चल 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 ठीक है, थैंक यू।